ठीक है बेटे, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की रिवीजन स्टार्ट करते हैं बुकलेट से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, सुनते जाइए और अच्छे से। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील लाइंस कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक, वाई नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील लाइंस होती हैं बेटे, ये हमेशा कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। ये कंटिन्यूअस क्यों होती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट कैसे होती हैं? पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, और एंड किस पे होती हैं? नेगेटिव पे। तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन टू द नेगेटिव चार्ज। दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म द कंटिन्यूअस कर्व। और ये बीच में से ब्रेक क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, और एंड किस पे होती है? नेगेटिव से। सो दैट इज वाई इट डज नॉट ब्रेक। अगला सुनिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज जूल पर कूलम, इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है बेटे? तो क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो आंसर है जूल पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ किसकी? वोल्ट पोटेंशियल। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम, इसे हम वोल्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसने हमसे पूछा है कि व्हाट मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द चार्ज कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा अपनी सरफेस के नॉर्मल की होती है। सपोज टू बी एक बॉडी है, वो बॉडी एट इक्विलिब्रियम पे है। ये एक बॉडी है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब क्या है? इस बॉडी के अंदर जितने भी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल हैं, वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल कैसे हैं? एट रेस्ट है। अगर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट हैं, तो ये हमें कोई इलेक्ट्रिकल, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा? आंसर है नो। अगर किसी एक मेटल को हम होल्ड करते हैं, उस मेटल को होल्ड करने के बाद अगर हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, इट मीन्स उस मटेरियल के अंदर जो चार्ज है वो एट रेस्ट है। भाई ये तो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि चार्ज का मोशन क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, और इलेक्ट्रिक करंट हमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है। कब? अगर बॉडी और हमारे बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो। अब हमने क्या करा? सपोज टू बी मान लिया, बात तो समझ में आई? सपोज टू बी एक मेटल है, इस मेटल में हमें शो करके दिखाना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा अपनी सरफेस के कैसे होती है? नॉर्मल होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है, ये हमें प्रूफ करना है। हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी सरफेस के नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ एक एंगल बनाती है, वो एंगल कितना है? थीटा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो एक कंपोनेंट कहाँ बनेगा? ए इस डायरेक्शन बनेगा, और एक कंपोनेंट कहाँ बनेगा? इस डायरेक्शन में। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन बनाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? ई कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो कितनी आ गई? ई साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सपोज टू बी कोई भी इसके अंदर कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या है? तो आंसर है ये कंडक्टर है। तो अंदर इसका मतलब है इसके पास चार्ज पार्टिकल भी हैं, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल अभी कैसे हैं? एट रेस्ट है। अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर के अंदर, चार्ज पार्टिकल हैं बहुत सारे, चार्ज पार्टिकल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो अगर ये एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाती है। हम भी बताएं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को रख दूं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या ये चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा है, तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। अगर इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी, तो ये चार्ज को क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा। और जब चार्ज मोशन में आता है, तो वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रिक करंट को से हमें क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। अगर ऐसा है, तो हम इस मेटल को जैसे ही होल्ड करेंगे, तो ये मेटल हमें क्या देगी? इलेक्ट्रिकल शॉक देगी। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जब भी किसी एक मेटल ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करते हैं, तो क्या हमें वो इलेक्ट्रिकल शॉक देती है? आंसर है नो। वो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं देती? वो इसलिए नहीं देती क्योंकि ये चार्ज पहले भी एट रेस्ट था और अभी भी एट रेस्ट है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो ये ई कॉस थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो ये ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में कितना होगा? जीरो। अरे ये बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? जीरो।
तो अगर मैं बोलूं यहां पर ई कोस थीटा, ये पक्का कितना होगा जीरो। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने अमाउंट में लगती तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती, अगर फोर्स लगती चार्ज पार्टिकल पर तो चार्ज पार्टिकल क्या करता, मोशन में आता, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता। तो यहां पर ये डायरेक्शन में पक्का है, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रही। तो आंसर है ई कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो काम कर ही रही है यहां पर, कैन नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या जीरो हो सकता है, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जीरो किसकी वैल्यू होती है, तो आंसर है कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो थीटा कितना आ गया, आ गया थीटा 90। इससे बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा अपनी सरफेस के कैसे काम करती है, ए इस डायरेक्शन में काम करती है। अगर यहाँ थीटा में 90 रखूँ तो थीटा 90 रखने पे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम कर रही है, आंसर है नॉर्मल टू द सरफेस काम कर रही है। तो इस बात को थंब रूल बना के याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अपनी सरफेस के नॉर्मली होगी है, हमेशा स्टार्ट भी नॉर्मली होती है और टर्मिनेट भी कैसे होती है, नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। डायलैक्ट्रिक का काम क्या होता है कैपेसिटर के अंदर, तो हमें पता है कि जो डायलैक्ट्रिक्स होते हैं, ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बनाते हैं, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। एक कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं कितनी, ई नॉट। अब हमने क्या करा, इसके अंदर एक डायलैक्ट्रिक मटीरियल डाल दिया, एक स्लैब डाल दी, ये सपोज टू बी डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक्स वो मटीरियल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो किस तरह से बिहेव करते हैं, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किस तरह से बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या करा, एक डायलैक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। अगर हमने इस डायलैक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, अच्छा डायलैक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों में फर्क ये होता है कि जो इंसुलेटर में चार्ज पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अगर हम कितना भी फोर्स लगाएं उनके ऊपर, कितना भी हम उसको एनर्जी दें, वो आसानी से मूव नहीं करते। लेकिन जो डायलैक्ट्रिक्स होते हैं, अगर उन पे हम एक्सटर्नल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी पोजिशन को बदल लेते हैं। अगर एक पार्टिकल ऐसे था तो वो ऐसे हो जाएगा, वो अपने डायरेक्शंस बदल लेते हैं। लेकिन पहले भी मटेरियल के अंदर थे, वो अभी भी मटेरियल के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन बदल लेते हैं लेकिन कहीं चलते नहीं है इतने से। तो इसके अंदर देखा हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, जैसे ही हमने डायलैक्ट्रिक डाला तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इस डायलैक्ट्रिक में इंडक्शन कर दिया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसके इधर आंसर है, इसमें से नेगेटिव चार्ज को इधर इंड्यूस कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज है, डायलैक्ट्रिक कैसा है, इंसुलेटर ऐसा है, इंसुलेटर में जितने पॉजिटिव हैं उतने ही तो नेगेटिव हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अपने चार्ज को चलना अलाउ नहीं करते, तो इसमें चार्ज कहीं चल नहीं सकता, और अभी भी नेट चार्ज कितना है इसका, जीरो। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा, इस डायलैक्ट्रिक के इस तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस कर लिया, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव, अभी भी नेट चार्ज जीरो है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इस कैपेसिटर के अंदर बन रही थी। लेकिन जैसे हमने एक डायलैक्ट्रिक डाला तो उस डायलैक्ट्रिक में नेगेटिव एक तरफ आ गए, पॉजिटिव एक तरफ आ गए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, आंसर है, इस डायलैक्ट्रिक के चार्ज को पोलराइज कर दिया, नेगेटिव एक तरफ कर दिया, पॉजिटिव एक तरफ कर दिया। तो उससे क्या हुआ, तो आंसर है, जब पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गए, तो ये क्या करेंगे, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे, तो आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन बनाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई किसने, आंसर है, मटीरियल ने बनाई, डायलैक्ट्रिक ने बनाई, उसकी डायरेक्शन ऐसी है। जो कैपेसिटर की डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसी। और इसने जो इंड्यूस करी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी है, ऐसी। तो आप बता सकते हो कि अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर के अंदर कितनी रह गई, तो आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अपने डायरेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 10 लग रही है, तो ये इधर 2 लगा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, 2। तो इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बची, ई डैश, वो कितनी बची, तो आंसर है, ई लिख सकते हो, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एम। तो बता, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई या कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। तो आज के बाद एक प्रिंसिपल याद कर लिया कि जब भी हम किसी एक डायलैक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, या जो डायलैक्ट्रिक्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आंसर है, डायलैक्ट्रिक्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। अभी इस कैपेसिटर के अंदर हमने क्या करा, जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर इस डायलैक्ट्रिक को डाला, तो डायलैक्ट्रिक ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपेसिटर के अंदर डिक्रीज कर दिया। और हमें एक बात पता है कि जब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है तो क्या रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल, क्योंकि V इज इक्वल टू इन टू में L होता है, या E इज इक्वल टू V ओवर L होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, अरे इनके बीच का L तो उतना ही है डिस्टेंस, तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। और हम क्या चाहते हैं कि पोटेंशियल कम डिक्रीज हो या ज़्यादा डिक्रीज हो, पोटेंशियल कम हो, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C इन टू V होता है,
ये तो होता है। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन में V। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल कम होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब डायलैक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल डायलैक्ट्रिक को जब हम कैपेसिटर के अंदर प्लेस करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है वो सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करके पोटेंशियल को कम कर देता है, और पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो डायलैक्ट्रिक को डालने से कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कोरस्पॉन्ड टू द स्टेबल और किसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें एक बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी एक डाइपोल को डायरेक्शन बतानी है कि एक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो उसकी क्या डायरेक्शन होगी कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद वो अपनी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर ले। पहली बात, एक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं और वो डाइपोल अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेता है। तो किसी भी एक डाइपोल की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इस दुनिया में किसी भी चीज़ की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, तो ये बड़ा बेसिक सी चीज़ है। बेसिक सी चीज़ क्या है कि अगर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन से वो कोई काम नहीं करता। और इस दुनिया में किसी भी बॉडी को काम कराने के लिए, चलने के लिए क्या जरूरी है, फोर्स और टॉर्क। अगर एक बॉडी को हम सीधा चलाना चाहते हैं तो क्या जरूरी है, फोर्स। बिना फोर्स के इस दुनिया में कोई बॉडी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज कर ही नहीं सकती। दूसरा, एक बॉडी को अगर हम रोटेट कराना चाहते हैं तो कौन जिम्मेदार है, टॉर्क। तो जब तक किसी बॉडी पर टॉर्क होगी नहीं तब तक इस दुनिया में कोई बॉडी रोटेट कर नहीं सकती। तो इस दुनिया में दो ही चीज़ होती हैं, तो कोई सीधी चलेगी या गोल घूमेगी। गोल घुमाने के लिए टॉर्क जिम्मेदार है और सीधे चलाने के लिए फोर्स जिम्मेदार है। तो अगर बेटे मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ और ये आप लोगों से कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी भी एक दुनिया के अंदर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम कंडीशन किसे कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पर में किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है। क्या होता है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो, मतलब जिस कंडीशन से वो कुछ ना कर सके। अगर एक बात बताओगे आप कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक बॉडी इस डायरेक्शन में सीधी चल रही है, तो इस ये बॉडी किसके इक्विलिब्रियम पे है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है तो किसके इक्विलिब्रियम पे है, तो आंसर है टॉर्क। अरे इसके ऊपर फोर्स लग रही है नहीं लग रही है, लग रही है, और फोर्स लग रही है तो बॉडी मूव कर रही है, तो फोर्स मूव करा रही है। लेकिन ये क्या नहीं कर रही है, अभी गोल नहीं घूम रही। गोल क्यों नहीं घूम रही, क्योंकि इस पर टॉर्क जीरो है। अरे बात समझ में आई, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, है। किसके इक्विलिब्रियम पे, अभी टॉर्क के। एक पंखा ऐसा रोटेट कर रहा है तो वो पंखा इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, है। किसके इक्विलिब्रियम पे है, फोर्स के। टॉर्क के इक्विलिब्रियम पे होगा नहीं, क्योंकि टॉर्क तो क्या कर रही है, उसे रोटेट करा रही है, गोल घुमा रही है, लेकिन वो कौन सा मोशन नहीं कर पा रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है, फोर्स। तो वो किसके इक्विलिब्रियम पे है, फोर्स के। अरे समझ में आया, तो जिस कंडीशन पे कोई एक बॉडी कुछ ना कर सके जिस कंडीशन की वजह से, वो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक बॉडी मेरे हाथ पे रखी है, तो ये बॉडी बताओ किसके इक्विलिब्रियम पे है, आंसर है दोनों के। क्या ये बॉडी सीधी चल रही है, नहीं, तो फोर्स के इक्विलिब्रियम पे, इसका फोर्स जीरो है। क्या ये बॉडी गोल घूम रही है, रोटेट कर रही है, नहीं, तो इसका मतलब टॉर्क भी जीरो है। तो जब किसी एक बॉडी पे फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो, वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। ठीक, अरे समझाया, ये उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ना बेटे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हम दो तरह से पढ़ते हैं। तो कैसी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जिस इक्विलिब्रियम कंडीशन से, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ऐसा रखा हुआ है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस करूं, और हमने हटा दिया इसकी पोजीशन से, इसे डिस्प्लेस कर दिया, जैसे हम इसे इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिस्प्लेस करते हैं, ये दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो हम बोलेंगे ये नेचर में ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, स्टेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये बॉडी अभी कैसी है, इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, है। किसके इक्विलिब्रियम पे है, तो आंसर है फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। अब देखो जरा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से ऐसा डिस्प्लेस करूँ ऐसा, तो हम क्या देखते हैं, ये दोबारा अपनी पोजिशन पर वापस आ गया। तो इट मीन्स दिस इज द कंडीशन नोन एज का स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है किसी भी एक बॉडी की जिस कंडीशन से उस बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करें और दोबारा वो अपनी उसी इनिशियल पोजीशन को अचीव कर ले, दिस इज नोन एज क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस करें और वो अपनी पोजीशन पर दोबारा वापस ना आए, वो क्या कहलाती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। जैसे कि ये बॉडी क्या सी अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, अच्छा कुछ नहीं कर रही, अच्छा लेकिन अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ तो क्या ये वापस आती है? नहीं आ रही, तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये मतलब होता है। तो इसी तरह से एक डाइपोल की दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो एक डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है? तो आंसर है एक डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है जब, इधर देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है, मान लो ये हमारी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, अगर इसके अंदर हम एक डाइपोल को रख दें और डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो, डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस डाइपोल पर गौर करके देखिए, यहाँ पर इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? तो आंसर है अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ये ए मान लिया हमने और इस पॉइंट को कितना मान लिया, बी। तो ए पर फोर्स कैसे लगा रहा है? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पर फोर्स कैसे लगाएगी? नीचे। तो बताए इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी है? जीरो। अरे नेट फोर्स कितनी है? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया ना, देखना यहाँ पर इस बॉडी को मैं इसको यहाँ से ऊपर पकड़ खींचता हूँ, इसे नीचे पकड़ खींचता हूँ, तो नेट फोर्स कितनी है? जीरो। दूसरा, क्या इस बॉडी पर टॉर्क लग रही है? नहीं, क्योंकि टॉर्क की कंडीशन है कि देयर शुड बी द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दो फोर्स इक्वल अपोजिट तो होनी चाहिए, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, लेकिन दोनों फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन पे नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों फोर्स सेंटर ऑफ मास की लाइन पे है। अरे क्या बॉडी गोल घूम जाएंगी? अगर एक फोर्स मैं यहाँ से लगाऊँ, एक फोर्स यहाँ से लगाऊँ, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये दोनों सेंटर ऑफ मास की लाइन पे नहीं है, इट मींस ये बॉडी क्या कर सकती है? रोटेट। तो अभी ना तो फोर्स लग रही है ना टॉर्क लग रही है, तो ये क्या है? उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब तो सोच इसको, इस डाइपोल को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक डाइपोल अभी ऐसा रखा हुआ था, ये डाइपोल की डायरेक्शन है, दिस इज, ये नेगेटिव पॉजिटिव है और ये कितना है? नेगेटिव है। तो अभी ये डाइपोल पी, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है? आंसर है जीरो डिग्री का बना रहा है, ठीक है? कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? जीरो डिग्री का। अगर मैं इस डाइपोल को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से ऐसा डिस्प्लेस कर दूँ, तो जरा देखिए क्या होता है। इस डाइपोल को हमने ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, अरे ऐसा था ना पहले, इसको ऐसा घुमा दिया, तो ये कितना है? पॉजिटिव चार्ज है, ये कितना है? नेगेटिव चार्ज है। तो हमने इसे कितना डिस्प्लेस कर दिया? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया थीटा डिग्री से। तो हम क्या देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगी? इधर। अरे पॉजिटिव पे इधर, और नेगेटिव पे कहाँ फोर्स लगाएगी? इधर। तो ये दोबारा डाइपोल अपनी पोजीशन पे तो वापस आ गया। तो जब डाइपोल पर हम, यस, जब हम किसी एक डाइपोल पर बैठे, तो इसका मतलब जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, मतलब जब थीटा जीरो डिग्री का होता है, उस कंडीशन से अगर हम इस डाइपोल को डिस्प्लेस करते हैं, तो ये डाइपोल दोबारा क्या करता है? अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो इट मींस ये क्या कहलाती है? उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। तो जब थीटा जीरो होता है, इट मींस इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। नहीं आया समझ में? अब इसी तरह से एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कब? जब ये डाइपोल है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डाइपोल के डायरेक्शन है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, और डाइपोल के डायरेक्शन कैसी होती है बेटे? तो आंसर है नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज पी। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। अगर मैं इस डाइपोल को इसकी इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिस्प्लेस कर दूं, मतलब मैं इसको अगर ऐसा कर दूं, ये ऐसा, तो नेगेटिव इधर हो जाएगा भाई साहब, और ये पॉजिटिव इधर हो गया, इधर तो हो गया। तो मैं इसे डिस्प्लेस कैसे कर रहा हूँ? इस डायरेक्शन में। तो अब पॉजिटिव चार्ज पे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाएगी? ऊपर। और नेगेटिव चार्ज फोर्स कहाँ लगाएगी? नीचे। तो जिधर इस डायपोल पे फोर्स लग रही है, तो डायपोल उधर ही तो मूव करता चला जाएगा, ए ऐसा ऐसे तो मूव करेगा। तो क्या डायपोल दोबारा अपनी पोजिशन पर वापस आया? नहीं। तो दिस इज नोन एज क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब थीटा 180 का होता है, तो दिस इज नोन एज क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत आता है पेपर में, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद आता है
व्हाट शुड बी द वर्क डन इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम ए टू बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ड्रॉन विद अनदर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट द सेंटर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, सपोज टू बी क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस सर्कमफ्रेंस पे रखा है, दिस इज क्यू, और ये पॉइंट कितना है ए। ये वाला एक चार्ज पार्टिकल इस सर्कमफ्रेंस से ए से बी की तरफ मूव करता है, ये पॉइंट कितना है बी। ए इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करके आता है। तो हमें ये बताना है कि जब चार्ज पार्टिकल चल के जाता है वर्क ए से बी का कितना होगा। तो एक बात बताइए, इस दुनिया में वर्क करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आंसर है, किसी भी बॉडी पे वर्क तब किया जा सकता है जब दो पॉइंटों के बीच में क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। अरे जब तक ये पानी, ये पाइप है, इस पाइप में मैंने यहाँ पानी भर दिया, तो बताइए पानी कैसे फ्लो करेगा? फ्लो करेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ या ऐसा कर दूँ तो पानी फ्लो करेगा ना बेटे। तो वर्क करने के लिए क्या जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। तो जब तक कोई एक चार्ज कब तक वर्क नहीं करेगा, जब तक कि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो ना। तो देखो जरा, तो ये इसका सेंटर है, यहाँ से अगर मैं इसका रेडियस लूँ तो ये तो इसका रेडियस होगा आर। यहाँ से यहाँ तक लूँ तो ये क्या है इसका रेडियस। तो मैं रेडियस लूँ यहाँ से, तो रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। अरे दोनों पॉइंट का रेडियस बराबर ही तो है, वो रेडियस कितना है आर। तो आप बता सकते हो इस पॉइंट का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है, पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास होता है के क्यू अपॉन में आर। तो भैया चार्ज, तो जब ये चार्ज यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज रखा है वो तो दोनों के लिए चार्ज बराबर है ना। तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनाएगा वो कितना बनाएगा? तो आंसर है वी बनाएगा। तो यहाँ पर कितना बनाएगा? आंसर है वी, वी बनाएगा। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अरे समझाए बेटे, क्योंकि इस वाले चार्ज से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? अरे आर है ना। तो ये वाला जो चार्ज है इस डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? दिस इज वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में चार्ज। एक चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा के यहाँ लेके यहाँ ला के रख दिया आपने, कितना चार्ज है? ये क्यू चार्ज है। तो इस वाले क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के आपने यहाँ तक रख दिया, तो उसे लाने के लिए आपका जो वर्क है वो वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जो इस पॉइंट का पोटेंशियल, जिस इस पॉइंट पर लाने के लिए आपने जितना वर्क किया वो इस पॉइंट का क्या बनता है? पोटेंशियल। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है? तो आंसर है, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, क्योंकि दोनों का रेडियस एक जैसा है। तो जब ये एक सर्कमफ्रेंस है, तो इसका मतलब इसका रेडियस सब जगह एक बराबर होगा, चार्ज एक ही है दोनों के लिए। तो ये वाले पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस कैसे बिहेव करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। कैसा होगा? तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये सर्कल है तो एक चार्ज है, तो चार्ज सबसे इक्विडिस्टेंस पे तो रखा है, तो यहां से यहां पर मैं यहां यहां कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू लूंगा तो सब जगह पोटेंशियल कैसा आएगा? सेम ही तो आएगा। और जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वर्क अगर मुझे निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो ये वर्क डन कितना होगा? तो आंसर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अरे हम वर्क कैसे कर रहे हैं? ए टू बी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा? बी टू ए। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। तो चार्ज तो कभी जीरो हो नहीं सकता। अरे चार्ज जीरो है क्या यहाँ पे? नहीं, चार्ज तो कुछ ना कुछ है भाई। तो क्या जीरो होगा यहाँ पर? तो आंसर है, वर्क डन ए टू बी कितना है? जीरो। नहीं है बात समझ में? ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल आगे आ जाओ ना, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, तो देखो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, हमें क्या पता है अच्छे से कि बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उस सरफेस पर कहीं भी एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट पर जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमारा वर्क डन हमेशा कितना होगा? जीरो। और इसकी एक शर्त यह है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है? नॉर्मल। तो अगर कहीं भी आपको किसी सरफेस से ये नजर आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये पक्का समझ लियो कि वो सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उस सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पर आप एक से दूसरे पे तीसरे पे कहीं भी जाओगे तो हमेशा वर्क डन जीरो होगा। ये पक्का रूल है फिजिक्स का। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, नेक्स्ट
उसके बाद क्वेश्चन है जी इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th ये है इसमें, इसने बोला डिस्क्राइब करिए स्केमेटिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस कोरस्पोंडिंग टू द ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अबाउट जेड डायरेक्शन। तो देखिए जी, हमें ना ये कंडीशन दी गई है कि ये हमारी तीन एक्सिस हैं सपोज टू बी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है। कितनी बात समझ में आती है, ये हमारी जेड एक्सिस है और हमसे बोला है कि बेटे अगर जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू नहीं बदल रही। तो अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो हमें एक बात पता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक रिलेशन होता है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर ये चार्ज यहां से ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें एक बात पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर पोटेंशियल क्या है, V1 है, यहां पर पोटेंशियल V2 है, यहां पर पोटेंशियल V3 है। तो आप बता सकते हो कि पोटेंशियल की वैल्यू इन तीनों में से सबसे कम कहां पे है, तो आंसर है V3 की वैल्यू सबसे कम है, फिर V2 की से ज्यादा है, फिर V1 की सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो पोटेंशियल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अपने डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, इट मींस जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होगा। मतलब V1 कैसा होगा, ज्यादा होगा, फिर V2, फिर V3। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब ध्यान से सुन मेरी बात, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे एंगल कितना बना रही है, 90। इसका मतलब ये सारी की सारी सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इस सरफेस के, सुनो मेरी बात, अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहां से ए से अगर बी पे लेके जाऊं, ए से बी पे लेके जाऊं, क्लियर, ए से बी पे लेके जाऊं, यहां पर ए डैश से बी डैश पे लेके जाऊं, यहां पर ए डबल डैश से बी डबल डैश पे लेके जाऊं, कहीं भी अगर मैं कहीं भी वर्क करूंगा तो मुझे हमेशा मेरा वर्क डन कितना होगा, जीरो। अरे एक भी पोटेंशियल सरफेस वर्क डन जीरो होता है ना। तो यहां पर जो पोटेंशियल ए डबल डैश का था, यहाँ बी डबल डैश का भी वही होगा V1। यहाँ पर ए पर जो पोटेंशियल V3 था, तो बी पर भी पोटेंशियल कितना होगा, V3। तो ये तीनों के तीनों सरफेस इक्विपोटेंशियल है, लेकिन इन तीनों सरफेस का पोटेंशियल एक दूसरे का बराबर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। और दो इक्विपोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, dr इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब तू एक बात सोच, इनमें एक रिलेशन होता है किसका, कि भाई E इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv ओवर dr होता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ एक माइनस भी लगा सकते हो, माइनस क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, एक ही तो बात है, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। अब एक बात सोच बेटे, कि यहाँ पर E इज इक्वल टू dv ओवर dr होता है ना, इतनी बात तो समझ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मेरा dr कैसा होगा, कम होगा, फॉर गिवन dv। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हर बार एक जैसा है, कैसे एक जैसा है, अगर इसका 2 है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 है, इसका कितना है, 6 है। तो हर बार सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2-2 का ही तो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इसने जो बात बोली है, इसने बोला भाई साहब आपसे कि हमें ना इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, बात समझ में आई, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। तो इधर देखो, तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो मेरा dr कैसा होगा, कम। तो इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है ना बेटे, स्ट्रॉन्ग होती है, वहां पर इक्विपोटेंशियल कैसे होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। जैसे ये इक्विपोटेंशियल है ये, तो ये कैसे होंगे, हमेशा नजदीक नजदीक होंगे। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, दूर दूर होंगे। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रही है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे डिस्टेंस में। तो इसने क्या बोला है अभी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में नहीं बदल रही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में नहीं बदल रही तो इन इक्विपोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, आंसर है नहीं बदलेगा, क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है बेटे, वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखो जी, तो ये एक इक्विपोटेंशियल हमने यहां से ये बनाया,
एक भी पोटेंशियल है और एक ये एक भी पोटेंशियल है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस सपोज टू बी आर वन है, ये कितना है आर टू है, ये कितना है आर थ्री है। तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस बदल रहा है? आंसर है नो। तो ये सब के सब डिस्टेंस कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ये इसे आर वन मान लो, ओरिजिन से था ना बेटे वो ओरिजिन, ये कितना है आर टू, और बनाना चाहो और भी बना सकते हो, ये एक इक्विपोटेंशियल बन गया, दिस इज आर थ्री। तो आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री फोर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझ में? अगला सुनो, अगला क्या बोला है, ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कॉन्स्टेंट इन जेड डायरेक्शन। इसका मतलब इसने बोला है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो इसने बोला भाई साहब आपसे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है इन मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बात समझ में आई, बट रिमेन कॉन्स्टेंट किसमें, अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो उसका इंक्रीज होता जा रहा है, प्ले हो गई बात भाई साहब, बट रिमेन कॉन्स्टेंट, और कैसा है कॉन्स्टेंट किसमें है, जेड डायरेक्शन के अंदर। तो देखो जी इसका मतलब, आइए तो एक बात बताइए कि अगर जेड डायरेक्शन के अंदर, अगर ये जो जेड डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ये रहा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। ऐसा ना, इसका मतलब अगर यहां से इसने बोला है कि अगर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये नहीं है बेटे समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इक्विपोटेंशियल जो है वो कैसे है, कॉन्स्टेंट है, मतलब उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वो सब जगह कैसा है, एक बराबर है। तो कैसे एक भी पोटेंशियल ड्रॉ होंगे, तो जरा देखना, E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर होता है, अरे तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में, अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो डी आर कैसा होगा, छोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे। तो देखो अगर यहाँ पर हम इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करें, ये एक इक्विपोटेंशियल है, तो एक ये इक्विपोटेंशियल है, एक अगला इक्विपोटेंशियल ड्रॉ कर दिया हमने, ये और देखिए फिर अगला एक इक्विपोटेंशियल और ड्रॉ कर दिया, फिर अगला एक और ड्रॉ कर दिया, फिर अगला एक और ड्रॉ कर दिया, क्या हो रहा है, तो आंसर है इनका जो डिस्टेंस पहले कितना था R1, ये कितना है R2, ये कितना है R3, ये कितना है R4, ये कितना है R5, हर बार इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R5, R5 सबसे नेगेटिव समझ में। उसके बाद इससे ने नेक्स्ट पार्ट में पूछा, ये ए पार्ट था इसका और ये बी पार्ट, इसको बड़े ध्यान से कर लेना अच्छे से। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, किसके लिए पूछा है, इन्हें पूछा अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो, सी पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है हमें, इफ वी इफ द पॉइंट चार्ज इज टू बी गिवन, क्या दिया है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसे बनती है, तो आंसर है पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल बनते हैं, कैसे बनते बेटे स्फेरिकल, तरीका देखो कैसे होता है बनाने का, वैसे तो आप लोगों को सबको पता है, अरे एक पॉजिटिव चार्ज से एक पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के कितने डिग्री पर होती है, 90, तो ये 90 डिग्री कर दो, 90 90 90 90 90 90 90, ये रहा इक्विपोटेंशियल, फिर 90 90 डिग्री कर दो, ये रहा, तो कैसे बनती है स्फेरिकल। और यहां पर देखो ये भी तो 90 था, अरे इसके 90, ये सब 90 तो बना रही है, दीज आर द ऑल 90s, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर है एट्थ। एट्थ क्वेश्चन नंबर में इसने बोला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो भैया हमें डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, किसके साथ? इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो आइए जी, अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें तो ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करूं एक्सिस पर, हम अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज से, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा? इस वाले चार्ज, अगर मैं एक चार्ज को यहाँ रख दूँ, देखो देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन बनाएगा? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इस वाले पॉजिटिव से इसका डिस्टेंस कैसा है? कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़्यादा बनाएगी बी पॉजिटिव चार्ज एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज वाली है उसके डायरेक्शन तो ये है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है। तो जब दो वैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी तरफ मूव करता है। तो हमने ये देखा कि इसमें इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल पर, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो तू देख इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों की डायरेक्शन सेम ही तो है। इसका मतलब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? जीरो डिग्री। और यही चीज तो इक्वेटोरियल में देख, ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, ये तो है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्जेस। अगर मैं इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी, और ए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगा? आंसर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? इधर आएगी। तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी डायरेक्शन की आएगी? यही तो आएगी, और ये क्या है? इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब अब देख जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसके डायपोल की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। तो याद कर लिया, एक्सियल लाइन पे ये किस पे बनता है? एक्सियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो थीटा बनता है दोनों के बीच में वो कितना बनता है? 180। अच्छा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन? अरे इसी, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे भी बना रहा है रिजल्टेंट और इक्वेटोरियल पे भी बना रहा है, तो दोनों के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180। तो द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल इज कितना होता है? 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में बोला है बेटे इसने कि एक दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस R1 और एक का रेडियस R2 है। ये एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर ये रहा। एक का रेडियस R1 है, मतलब R1 कैसा है? बड़ा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये R1 है और ये कितना है? R2। तो इसने बोला R1 जो है वो ग्रेटर है किससे? R2 से। ओके, अब अगला इसने बोला है कि भाई इफ़ द टू स्फीयर ऑफ द सेम पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम। ये ए मान लिया हमने और ये बी, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, ये गिवन कंडीशन है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब उसने बोला हमसे कि भाई स्टेट वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर, स्टेट करके दिखाइए वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज मोर और लेस देन द अनदर चार्ज। हमें इन दोनों की क्या निकालनी है? चार्ज डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का फार्मूला रेशो निकालना है तो सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब एक बार बताओ दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का फार्मूला तो हमें पता है, वी ए इज इक्वल टू के क्यू। भाई इसके ऊपर चार्ज होगा, इस चार्ज को हमने Q1 मान लिया, इस पर कोई चार्ज होगा Q2 मान लिया,
तो के क्यू वन अपॉन में के क्यू अपॉन में आर वन, दूसरे पे कितना होगा बी पे के क्यू टू अपॉन में आर टू, दोनों के पोटेंशियल कैसे हैं बराबर है, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो देखो बेटे तो दोनों का पोटेंशियल कैसा है सेम, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों को अगर मैं बराबर रखूं तो वी इज इक्वल टू के वन अपॉन में आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन में आर टू, कैसे के गया क्यू वन अपॉन में क्यू टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन में आर टू, इतनी बात समझ में। और अब हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना है क्यू वन था ना बेटे इस पे कैपिटल क्यू वन, तो Q1 इज इक्वल टू 4 पाई R1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर 4 पाई से 4 पाई गया, तो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन में Q2 और कितना आ गया R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर, Q1 अपॉन में Q2 की वैल्यू यहां से उठा के रख लो तो कितना आ गया R1 अपॉन में R2 इनटू में R2 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर है, तो R2 से एक ये गया R1 से एक ही पावर एक R1 कट जाएगा तो कितना आ गया R2 अपॉन में R1 ही है। इसी तरह से मैं तुझसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी निकाल दो, तो आप वो भी निकाल सकते हो E1 अपॉन में E2, तो एक स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटे वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनती है, और इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला भी लिख रखा है E इज इक्वल टू, एक्चुअली में एक स्फीयर एक पैरेलल प्लेट कैप्चर की तरह तो काम करता है यार, ये दोनों प्लेट पैरेलल तो बन गई अरे yes, और एक पैरेलल प्लेट कैप्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा वन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा टू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों तो कट गए, तो सिग्मा वन अपॉन में सिग्मा टू का जो रेशियो वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है yes, और इसका रेशियो है आर टू अपॉन में आर। इसी तरह से मैं तुमसे पूछूं इसके कैप्सटेंस का फार्मूला कितना होगा, कैप्सटेंस का रेशियो बताओ सी वन से सी टू का, तो वो भी निकाल सकते हैं, तो कैप्सटेंस एक स्फीयर का होता है आर अपॉन में आर वन अपॉन में नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, तो सी टू कितना हो गया आर टू अपॉन में नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, दोनों कट गए तो आर वन अपॉन में। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ में इसने बोला बेटे दो स्मॉल इलेक्ट्रिकल डाइपोल दे रखे हैं ए बी और सी डी, दोनों का डाइपोल मोमेंट पी है और वो दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री से सेपरेट है। लुक एट हियर ऑन द बोर्ड, ये दो डाइपोल हैं, दिस इज ए और बी, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है पी, दूसरा एक डाइपोल है हमारे पास दिस इज सी डी, ये सी है और ये डी, इस डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी है और ये डी, दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है पी, दोनों का डाइपोल मोमेंट बिल्कुल बराबर है और ये दोनों के एक दूसरे से कितने डिग्री पे सेपरेट है 120 डिग्री से सेपरेट है। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है इसमें बेटे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बेटे एक्स एक्सिस में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हमें ये बताना है कि इसके ऊपर डायरेक्शन बतानी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसके डायरेक्शन कितनी होगी, दो चीजें निकालनी है। तो एक बात बताओ टॉर्क का फार्मूला तो हम सबको पता है, टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ तो दो डाइपोल मूवमेंट है भाई, एक का डाइपोल मूवमेंट ये रहा पी, उसका डाइपोल मूवमेंट इसका पी, तो यहाँ पर मैं किसका डाइपोल मूवमेंट लूंगा, इस पहले सी डी का लूंगा डाइपोल मूवमेंट या ए बी का लूंगा, आंसर है दोनों में से किसी का नहीं लूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट लेंगे, बस समझ रहे मेरी बात, तो इन दोनों का सबसे पहले हम रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल निकालेंगे और फिर टॉर्क का फॉर्मूला रखते हैं। तो सबसे पहले बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, तो आंसर है इन दोनों का अपना एक रिजल्टेंट होगा, तो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, अरे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो ना ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये इसका रिजल्टेंट है, ये हमने मान लिया दिस इज सपोज टू बी पी डैश, ठीक। अच्छा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है
120 डिग्री का बन रहा है, अरे दोनों के बीच का। और हमें एक बात पता है, सो वी नो दैट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये कहता है कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो पी सी डी और पी ए बी, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट पी तो है, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो हम ये लगा सकते हैं, पी डैश इज इक्वल टू 2a, दोनों वेक्टर बराबर ही तो है, 2p cos थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 120, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू रखिए इसकी, अरे 2a cos थीटा बाय 2, तो इसकी वैल्यू काटिए कितना आ गया 60, तो 2p cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो कटे कितना आ गया p, तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी कितना आ गया, दिस इज p। आप चाहें तो सिंपल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लीजिए, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो भी यही आएगा। अब एक छोटी सी बात देख, अब जब तुझे पता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितने डिग्री पे होगा, तो आंसर है वो इन दोनों का बाइसेक्टर पे होगा। अगर ये 120 डिग्री पे है तो ये वाला एंगल कितने पर बनेगा, आंसर है 60 डिग्री पे। नहीं बेटे समझ, जब दो साइड बराबर है तो इसका बाइसेक्ट कितने पे होगा, रिजल्टेंट कितने पे होगा, तो आंसर है बराबर बराबर एंगल पे तो होगा दोनों के लिए। तो ये वाला एंगल कितने का बना, तो आंसर है यहां से यहां तक का एंगल कितने का, सपोज टू बी 60 डिग्री का। अब तुझे पता है ये डाइपोल मूवमेंट है, ये तो है, यहां से जरा गौर करके देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल मूवमेंट इसके साथ एंगल कितना बना रहा है यहां पर 90, और ये रिजल्टेंट इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 60, तो ये डाइपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाएगा, तो 90 में से 60 को माइनस कर लो, जब 90 में से 60 को माइनस करोगे तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये ऐसे तो बना, ये कितना है पी डैश और ये कितना है ई एक्स, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, दिस इज 30 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन कितनी है 30, तो यहां लिख लेना नाउ फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन विल बी एट 30 डिग्री फ्रॉम किसे ई एक्स, ई एक्स ये तो है ऊपर की तरफ। अच्छा जी, अब अगला बता इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 30, तो पीई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना आ गया पीई बाई 2 इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगली क्लास में बनाते हैं।